हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर चैनल अकाउंट नॉलेज। दिस इज जागृति। एंड फ्रेंड्स, एज यू गाइस नो, इफ यू आर अ नर्सिंग स्टूडेंट एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी नर्सिंग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, देन ऑन अवर चैनल मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिलेटेड MCQs आर इन्वॉल्व इन दिस चैनल, विच विल बी वेरी इंपॉर्टेंट एंड विच विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर एग्जाम। सो सच एज CHO, NOSE, TPPSC, स्टाफ नर्स, SEC एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। कोई भी आप नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज यहाँ पे जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इन्वॉल्व किया जाता है। वैसे तो हम लोग सारा सिलेबस जो है कंप्लीट करते हैं, बट जो हमारे कॉम्पिटेटिव लेवल पे जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम यहाँ इन्वॉल्व करते हैं, उन्हीं से रिलेटेड MCQs को जो है पढ़ते हैं। सो आज का जो हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ KMC इन हाइपोथर्मिया। सो KMC कंगारू मदर केयर, इस ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इससे जो है डेफिनेटली आपको ये क्वेश्चंस जो हैं 1 और 2 देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में, हर एक नर्सिंग कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में। सो KMC कंगारू मदर केयर, इसके इस टॉपिक से रिलेटेड MCQs को पढ़ने वाले हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, ऑल ऑफ द फॉलोइंग्स आर एडवांटेज ऑफ कंगारू केयर एक्सेप्ट। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एडवांटेज ऑफ कंगारू केयर एक्सेप्ट, यानी कि ये सभी जो हैं एडवांटेज हैं, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एडवांटेज, ये सभी एडवांटेज हैं कंगारू मदर केयर को किसी एक को छोड़कर, यानी कि 3 स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट होंगे एंड 1 स्टेटमेंट गलत होगा, बिकॉज यहाँ पे पूछा है एक्सेप्ट। इस चीज़ को ध्यान रखते हैं कि क्वेश्चन में एक्सेप्ट तो नहीं पूछा है, तो सभी जो हैं सभी जो एडवांटेज हैं कंगारू मदर केयर के, बट किसी एक जो एडवांटेज है वो नहीं है। तो बॉन्डिंग बिटवीन मदर एंड चाइल्ड कंगारू मदर केयर क्या करता है, बॉन्डिंग बनाता है मदर और चाइल्ड के बिटवीन, एंड एडिक्यूट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एडिक्यूट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है, एंड इंक्रीज प्रेशर ऑफ मदर एंड चाइल्ड, या इंक्रीज मिल्क सप्लाई। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारा इसमें रहेगा, क्योंकि इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन में एक्सेप्ट पूछ रहा है कि एक्सेप्ट यानी कि कंगारू मदर केयर का एडवांटेज नहीं है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन रहेगा इंक्रीज प्रेशर ऑन मदर एंड चाइल्ड, ये ऑप्शन इनकरेक्ट रहेगा, बाकी जो 3 स्टेटमेंट हैं ये करेक्ट हैं। सो नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट कंटेंट देखते हैं कि KMC जो होता है, KMC इज अ स्पेशल वे ऑफ केयरिंग प्री मैच्योर लो बर्थ वेट। KMC क्या होता है, KMC जो है स्पेशल वे होता है केयर करने के लिए प्री मैच्योर जो लो बर्थ वेट बेबी होते हैं, हाइपोथर्मिक बेबीज होते हैं, यानी कि हाइपोथर्मिक यानी जिनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो होता है, हाइपोथर्मिक बेबीज जो होते हैं या प्री मैच्योर LBW बेबीज होते हैं, बाई कंटिन्यूस स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट रखा जाता है मदर एंड बेबी के बिटवीन, इसे कंगारू मदर केयर कहते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है मदर एज वेल एज न्यू बॉर्न और मदर दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। वाई इफेक्टिव थर्मल कंट्रोल ऑफ बेबी प्रिवेंट चांस ऑफ इन्फेक्शन, और बेबी जो है चांस ऑफ इन्फेक्शन से भी जो है प्रिवेंट होता है, एंड ब्रेस्ट फीडिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, एंड हेल्दी साइकोलॉजिकल बॉन्डिंग बना सकते होती है कंगारू मदर केयर से, यानी कंगारू मदर केयर से ये भी एक होता है कि मदर एंड न्यूबॉर्न के बिटवीन जो है एक साइकोलॉजिकल बॉन्डिंग जो है हेल्दी साइकोलॉजिकल बॉन्डिंग इम्प्रूव होती है। एंड ये हमारा रहा KMC के बारे में कुछ। एंड नेक्स्ट जो क्वेश्चन पढ़ेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन, यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन में कि कौन सा जो है अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन है, क्या अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन टू रिड्यूस स्ट्रेस को कम करने के लिए प्री टर्म इन्फेंट में, चूँकि 32 वीक्स ऑफ जेस्टेशन से हैं, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन रहेगा कंगारू केयर जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटरवेंशन है टू रिड्यूस स्ट्रेस को कम करने के लिए प्री टर्म इन्फेंट में, जो कि 32 वीक्स ऑफ जेस्टेशन का है, तो कंगारू केयर जो होता है मोस्ट अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन होता है, जिससे क्या होता है कंगारू मदर केयर से, क्या हम लोगों ने पढ़ा था कि कंगारू मदर से केयर से हेल्दी
जो हेल्दी मदर एंड बेबी के बीच में साइकोलॉजिकल बॉन्डिंग होती है, ब्रेस्ट फीडिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, इन्फेक्शन से बचा सकते हैं एंड ऑल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, कंगारू मदर केयर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो कंगारू मदर केयर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो कंगारू मदर केयर में इनमें से कौन सा सही है। तो इसमें कैन बी डन बाय फादर आल्सो, मीन्स फादर ही कैन बी डन बाय फादर आल्सो, फादर भी कंगारू मदर केयर दे सकते हैं। इंडिकेट फॉर लो बर्थ बेबीज, जो लो बर्थ वेट बेबीज होते हैं उनके लिए इंडिकेट है केएमसी, या इफेक्टिव थर्मल कंट्रोल के लिए है ऑल ऑफ द अबव। तो कंगारू मदर केयर जो है कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है फॉर द कंगारू मदर केयर, बिकॉज कंगारू मदर केयर में जो होता है फादर भी दे सकते हैं, लो बर्थ बेबीज के लिए इंडिकेट करता है ये, एंड इफेक्टिव थर्मल कंट्रोल होता है, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल आर कंपोनेंट ऑफ केएमसी एक्सेप्ट। तो इन सब में से ऑल आर कंपोनेंट ऑफ केएमसी, केएमसी के सभी कंपोनेंट्स हैं किसी एक को छोड़ के, तो केएमसी के सभी कंपोनेंट्स हैं किसी एक को छोड़ के कंपोनेंट्स कुछ हैं, तो स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट होता है केएमसी में, एंड एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग भी होती है, अर्ली डिस्चार्ज भी होता है। सो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारा रहेगा वेट गेन। वेट गेन जो है केएमसी का कंपोनेंट नहीं है, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट है और एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग है, अर्ली डिस्चार्ज है, बट एक्सेप्ट पूछा है इसमें, तो वेट गेन जो है वेट गेन को छोड़ करके बाकी सभी जो है कंपोनेंट हैं केएमसी के। सो इसमें इम्पॉर्टेंट कंटेंट लिखते हैं कि ऑल आर कंपोनेंट, सभी कंपोनेंट जो हैं केएमसी के हैं, किसी सिर्फ वेट गेन को छोड़कर स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट एंड एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग आर मेजर कंपोनेंट ऑफ केएमसी। स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट एंड एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जो होता है मेजर कंपोनेंट कहे जाते हैं केएमसी के। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्ट एंड एक्सटेंड ड्यूरेशन रिकमेंडेड फॉर कंगारू मदर केयर एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस। शॉर्ट एंड एक्सटेंड ड्यूरेशन, यानी कि शॉर्ट और एक्सटेंड ड्यूरेशन जो रिकमेंड की गई है कंगारू मदर केयर के लिए एज, यानी कि कितना से कम टाइम एंड ज़्यादा से ज़्यादा टाइम, ज़्यादा से ज़्यादा ड्यूरेशन रहता है जो कि रिकमेंड किया गया है कंगारू मदर केयर के लिए एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो अकॉर्डिंग जो है रिकमेंड की गई है शॉर्ट एंड एक्सटेंड ड्यूरेशन फॉर द कंगारू मदर केयर, तो वो रिकमेंड की गई है 3 hours to 10 to 12 hours, यानी कि हम शॉर्ट अगर दे सकते हैं, शॉर्ट टाइम के लिए अगर कहा जाए तो 3 hours मिनिमम दे सकते हैं, मैक्सिमम की बात की जाए तो 10 to 12 hours जो है कंगारू मदर केयर जो है रिकमेंड की जाती है, शॉर्ट 3 hours एंड मैक्सिमम 10 to 12 hours तक। एंड प्रोवाइडिंग कंगारू मदर केयर द मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ कॉन्टैक्ट शुड बी एट लीस्ट, फॉर प्रोवाइडिंग कंगारू मदर केयर को प्रोवाइड करने के लिए मिनिमम ड्यूरेशन जो होता है, मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ कॉन्टैक्ट का मिनिमम ड्यूरेशन शुड बी एट लीस्ट, तो कॉन्टैक्ट का जो मिनिमम ड्यूरेशन होता है वो कितना होता है, मिनिमम ड्यूरेशन होता है 1 hour। यानी ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा भी गया है कई बार एग्जाम में, देखा गया है कि जो मिनिमम ड्यूरेशन होता है कॉन्टैक्ट शुड बी एटलीस्ट कंगारू मदर केयर का जो है मिनिमम टाइम कितना हो जाएगा, तो कंगारू मदर केयर का मिनिमम टाइम 1 hour होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट है कि मिनिमम ड्यूरेशन केएमसी जो होती है तो नॉट बी लेस देन 1 hour, यानी कि 1 hour से कम जो है कंगारू मदर केयर नहीं दे सकते हैं, यानी कि 1 hour तो जो है कंगारू मदर केयर में पैसे जो है बच्चे को रखना ही होता है। टू अवॉइड डिस्ट्रेस को अवॉइड करने के लिए फ्रीक्वेंट हैंडलिंग, ग्रेजुअली इट मे बी एक्सटेंड अप टू 24 hours, ग्रेजुअली धीरे धीरे ये 24 hours तक एक्सटेंड किया जा सकता है इन अ डे। इन एब्सेंस ऑफ मदर, मदर की एब्सेंस में जो है अदर फैमिली मेम्बर्स सपोज फादर भी जो है केएमसी को प्रोवाइड कर सकते हैं। सो कहने का मतलब ये है कि मिनिमम ड्यूरेशन जो होता है केएमसी का वो 1 hour होता है, एंड 1 hour से ज़्यादा, 1 hour से कम जो है वो केएमसी प्रोवाइड नहीं, यानी कि 1 hour तो हमें मिनिमम केएमसी प्रोवाइड करना ही है, एंड धीरे धीरे इस टाइम को बढ़ा देते हैं 24 hours ऑफ अ डे कर देते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, आर न्यू बॉर्न बेबीज में गो इन टू द हाइपोथर्मिया।
एक न्यू बॉर्न बेबी जो है जो जा रहा है जाता है हाइपोथर्मिया में, यानी कि टेम्परेचर कम विद इन वन आवर ऑफ बर्थ विद इन टेम्परेचर फॉलिंग ब्लूडो, इसमें करेक्ट ऑप्शन रहेगा 36.5 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि हाइपोथर्मिया मीन्स होता है कोर बॉडी टेम्परेचर जो कि 36.5 और डिग्री फॉरेनहाइट की बात की जाए तो 97.7 डिग्री फॉरेनहाइट, यानी कि 36.5 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होना चाहिए। कम अगर होता है तो उसे हाइपोथर्मिया की कंडीशन कहा जाता है अकॉर्डिंग टू हू। एंड जिसमें नेक्स्ट देखते हैं इट मे बी फर्दर क्लासीफाइड एज कोल्ड स्ट्रेस, इसे हम कोल्ड, इसे फर्दर अगर क्लासीफाई किया जाए तो इसे कोल्ड स्ट्रेस भी कहते हैं। कोल्ड स्ट्रेस की क्या रहता है 97.6 डिग्री सेल्सियस से 96.8 डिग्री फॉरेनहाइट, और सेल्सियस की बात की जाए तो 36.4 डिग्री से 36 डिग्री सेल्सियस, यानी कि फॉरेनहाइट में 97.6 से 96.8 डिग्री फॉरेनहाइट एंड सेल्सियस में 36.4 डिग्री से 36 डिग्री सेल्सियस। एंड मॉडरेट जो रहता है, मॉडरेट जो हाइपोथर्मिया का टेम्परेचर रहता है मॉडरेट में 96.6 से 89.6 डिग्री फॉरेनहाइट एंड सेल्सियस में 35.9 डिग्री से 32 डिग्री सेल्सियस, एंड सीवियर अगर हाइपोथर्मिया है तो 89.6 डिग्री फॉरेनहाइट से 32 डिग्री, यानी कि 89.6 डिग्री फॉरेनहाइट एंड सेल्सियस में 32 डिग्री फॉरेनहाइट डिग्री सेल्सियस है तो दैट इज हाइपोथर्मिया। एंड मेंटेन वार्म चेन मेंटेन करनी है, वार्म एंड सेफ ट्रांसपोर्टेशन वार्म टू प्रिवेंट हाइपोथर्मिया वार्म डिलीवरी रूम। नेक्स्ट क्वेश्चन मॉडरेट हाइपोथर्मिया इन नियोनेटिस, तो हम लोगों ने भी मॉडरेट कोल्ड मॉडरेट सीवियर वो सभी स्टेट देखी हैं हाइपोथर्मिया की। इस क्वेश्चन में पूछा है मॉडरेट हाइपोथर्मिया इन नियोनेटिस, तो मॉडरेट हाइपोथर्मिया नियोनेट में जो मॉडरेट हाइपोथर्मिया होती है उसमें करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा 32 से 35.9 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द न्यूबॉर्न इन्फेंट शुड बी कीप्ड कंफर्टेबली फॉर बाम बिकॉज ऑफ, जो न्यूबॉर्न इन्फेंट होता है न्यूबॉर्न इन्फेंट जो है शुड बी कीप्ड कंफर्टेबली बाम बिकॉज ऑफ, न्यूबॉर्न इन्फेंट जो है वो रखना चाहिए कंफर्टेबली वार्म रखना चाहिए, क्यों, क्योंकि जो है इसको उसका टेम्परेचर जो है टेंड टू फॉल सून आफ्टर बर्थ, यानी कि जन्म के तुरंत बाद जो है बेबी को वार्म रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए, क्योंकि जन्म के तुरंत बाद जो टेम्परेचर होता है वो धीरे धीरे जो होता है आफ्टर बर्थ धीरे धीरे जो है धीरे धीरे कम होने लगता है, तो इसलिए वार्म टेम्परेचर में रखना चाहिए। न्यू बॉर्न आर मोर ससेप्टेबल टू डेवलप हाइपोथर्मिया, न्यू बॉर्न्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं तो हाइपोथर्मिया डेवलप होने की, क्यों, क्योंकि लार्ज सरफेस एरिया पर यूनिट ऑफ बॉडी वेट डिक्रीज अमाउंट ऑफ सबक्यूटेनियस वेट, इनका सबक्यूटेनियस वेट कम होता है एंड ब्राउन एडिपोज कम होते हैं एंड ब्राउन फेट आर पे साइड ऑफ हीट प्रोडक्शन, इमेच्योर और थिन स्किन सो मोर चांस ऑफ लॉस हीट, इमेच्योर और थिन स्किन होता है और सो मोर चांस टू लॉस हीट एंड अनस्टेबल हीट रेगुलेटिंग सेंटर होता है एपिथेलमस to adopt from a hot intertidal environment to a cooler external trend line, तो ये कुछ रीजन्स होते हैं जिसकी वजह से हाइपोथर्मिया में बच्चे जल्दी चल जाते हैं, क्योंकि उनका जो है लार्ज सरफेस एरिया पर यूनिट ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से लार्ज सरफेस एरिया होता है, सबक्यूटेनियस फैट जो है वो अमाउंट में कम होता है एंड ब्राउन एडिपोज टिश्यूज कम होते हैं एंड इमेच्योर और थिन स्किन होती है, इमेच्योर यानी कि स्किन पूरी तरह से के मैच्योर नहीं होती है, इमेच्योर थिन स्किन होती है जिससे लॉस हीट जिससे क्या होता है हीट ज़्यादा ही लॉस हो जाती है तो हाइपोथर्मिया जैसी कंडीशन हो जाती है। अनस्टेबल हीट रेगुलेटिंग सेंटर, और हीट रेगुलेटिंग सेंटर यानी कि हाइपोथर्मिया जो हीट रेगुलेटिंग सेंटर होता है वो अनस्टेबल होता है जिससे जो है वो जल्दी जो है हॉट इंट्रायूटराइन एनवायरनमेंट एंड कूलर एक्स्ट्रायूटराइन एनवायरनमेंट को, सो इट इज़ अवर प्रायोरिटी मैनेजमेंट टू कीप द न्यूबॉर्न कम्फर्टेबली वार्म, इसलिए प्रायोरिटी हमें क्या देनी है कि जो न्यूबॉर्न है उसको कम्फर्टेबली वार्म इन्वायरमेंट में रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉडी टेम्परेचर इन नियोनेट इज रेगुलेटेड मेनली बाय। तो बॉडी टेम्परेचर जो होता है नियोनेट में, बॉडी टेम्परेचर नियोनेट में इज रेगुलेटेड मेनली बाय। तो बॉडी टेम्परेचर जो नियोनेट में होता है, चूँकि रेगुलेट होता है किसके द्वारा, तो रेगुलेट होता है ब्राउन एडिपोज टिश्यूज़ में। जो न्यूबॉर्न होते हैं उनमें पाए जाते हैं ब्राउन एडिपोज टिश्यूज़, जिसकी वजह से बॉडी टेम्परेचर जो होता है नियोनेट में वो रेगुलेट होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशन डोमिनिस्ट्रेट नर्स अंडरस्टैंड अबाउट द न्यू बॉर्न्स थर्मोरेगुलेटरी एबिलिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशन, इनमें से कौन सा फॉलोइंग इंटरवेंशन है जो डेमोनिस्ट्रेट करता है, नर्स को अंडरस्टैंड करता है, समझता है अबाउट न्यूबॉर्न थर्मोरेगुलेटरी एबिलिटी। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, इसमें करेक्ट ऑप्शन रहेगा ए, दैट इज प्लेसिंग द न्यूबॉर्न अंडर द रेडिएंट वार्म, प्लेसिंग द न्यूबॉर्न अंडर रेडिएंट वार्म। इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, प्लेसिंग द न्यूबॉर्न अंडर रेडिएंट वार्म वार्मर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज न्यूबॉर्न आर नॉट एबल टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। स्मॉल फॉर जेस्टेशनल, यानी कि जेस्टेशन एज से स्मॉल है वे न्यूबॉर्न आर नॉट एबल, जो एबल नहीं है बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में, क्योंकि क्यों नहीं है मेंटेन करने में, क्योंकि दे डू नॉट हैव एज मच एज फैट, क्योंकि उनके इमेच्योर है वो, तो उसके जो है इतना फैट नहीं है, ये फैट स्टोर एज अदर इन्फेंट, अदर इन्फेंट की तरह जो है उनमें मच फैट स्टोर नहीं है, इसलिए जो है वो स्मॉल फॉर जेस्टेशन एज न्यूबॉर्न होते हैं, तो उनमें फैट इतना नहीं होता है जिससे वो एबल हो फॉर द मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर। सो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, सी, दैट इज दे डू नॉट हैव एज मच फैट स्टोर अदर इन्फेंट। सो इसमें करेक्ट ऑप्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग डायग्नोसिस वुड बी गिवन प्रायोरिटी इन द केयर प्लान ऑफ अ न्यूबॉर्न एट वन आवर ऑफ एज। मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग डायग्नोसिस, इनमें से कौन सा नर्सिंग डायग्नोसिस जो है वुड बी गिवन प्रायोरिटी, जो करना प्रायोरिटी देता है इन द केयर प्लान में ऑफ न्यूबॉर्न एट द वन आवर ऑफ एज। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, इन इफेक्टिव थर्मोरेगुलेशन। करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज इन इफेक्टिव थर्मोरेगुलेशन। तो इस टाइप से हम लोगों ने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे हैं रिलेटेड टू KMC, जो कि आपके लिए रियली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि KMC बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड वीडियो अगर आपको अच्छा लगा दें प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल, क्योंकि इसी टाइप से इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन को इन्वॉल्व किया जाता है। एंड हम लोग सिर्फ एग्ज़ाम के कॉम्पिटेटिव लेवल के हिसाब से ही प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जिससे आपकी प्रिपरेशन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रह सके। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड वीडियो अच्छा लगा दें प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब my channel, and thank you so much for watching.